जो जम्मू है मोहम्मद अकरम चौधरी खबर सुनो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर मरबूत शिकायत असनाद निजाम की अफ्तियों है भारत और चीन ने हकीकी कंट्रोल लाइन सूरत हाल पर अमन रखने एक पांच निकाती प्रोग्राम व रजामंदी जाहिर की है भारत में एक दिन में पचानवे हजार पांच कोविड उन्नीस का नवा मामला बांधे आया है

आज राजभवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुआ जनाब मनोज सिन्हा ने क्यों कि यह शिकायती निजाम चौबीस घंटा खुलो रहेगा और मिली शिकायतों की और रोज पड़ताल की जय करेगी उन्हें मजदूद कि जिला तरक्या कमिश्नर और सुपरटेंडेंट पुलिस अपना अपना दफ्तर मौजूद रहेगा भारत और चीन का वज्राय खारजा के दरमियान गलबात में हकीकी कंट्रोल लाइन और कशीदगी नाकाट करने वास्ते गुजशत रोज़ दो मुल्क का वज्राय खारजा ने इस कलवर रजमंदती जाहिर की है कि सरहद और कशीदगी नाकाट करने वास्ते जरूरी इकदाम किया जाएगा डॉक्टर जयशंकर और उनका हम मनस वी ने गुजर रोज रूस की राजधानी मास्को में मुलाकात करके गलबात ना आगे बदान और खसूसी नुमाइंदा रखन और रजामंदी जताई है और, और गलबात ना जारी रखने की गल कही है आखिर में दुआ मुल्क का वज्राय खार्जा ने क्यू है कि सरहदा और दो मुल्क इस गल की कोशिश करेगा कि उनके दरमियान अहतमद साजी का इकदाम जारी रखे जाए और अमन अमान वास्ते कोशिश जारी रखी जाए इस दौरान भारत ने इस गल और तश्वीश को इजहार की है कि चीन हकीकी कंट्रोल लाइन और फौज और जंगी साजो सामान को जमावटो कर रही है और क्यों है कि इस कदर फौज को जमावटो साल उन्नीस सौ तिरानवे और उन्नीस सौ छियानवे का माहदे के खिलाफ है और इस सरहद और सूरत हाल नाजुक होती जा रही है भारत की तरफ यह गलवाजा कर देती कि है कि चीन न सरहद और तमाम तरकिया गया माहतंग सख्ती नल पाबंदी करनी पेगी और उत्कायम शुदा सूरत हाल न तब्दील करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए आज भारत में कोविड उन्नीस का मामला ने एक रिकॉर्ड उछाल दस्यु है और एक दिन में छियानवे मामला बांधे आए हैं

शराय मुआत एक इशारिया साठ फीसद है वबा का मतहरक मुस्बत मामला और इस वक्त मुल्क में मतहरक मुस्बत मामला नौ लाख तरतालीस हजार चार सौ अस्सी है और पूरा भारत में इन मामला तो उभर आने वाला मरीजों की गिनतरी त्रे करोड़ सतुंजा लाख बतालीस हजार छह सौ है और इस तरह इस बीमारी तो बल होने की शराब फीसद सत्तर इशारिया पैंठ पैंठ है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक पिछले 24 घंटा में ग्यारह लाख तिरठ हजार पाँच लोगों का इस बीमारी की निस्बत टेस्ट किया गया है इस तरह हूं तोड़ी पूरा मुल्क में 5 करोड़ 40 लाख सतानवे हजार नौ टेस्ट किए गए हैं जिला उधमपुर में कोविड 19 वबा का मामला में मा बादा न देखता इंतजामी ने एहतियाती तौर पर निजी और सरकारी इदार न बंद रखने को फैसलो किया है उधमपुर में पिछला दस दिनों में मा इन मामलों की गिनतरी में इजाफा हुआ है इसे दौरान बीमारी बारे टेस्ट भी बड़ी तादाद में किए जा रहे हैं तमाम सरकारी और निजी इदारा का मुलाजमान की योग्य है कि वे अपना अपना टेस्ट करावें और जिला में तकरीबन मेहकमा का मुलाजमा का असराध पाया गया है और यह इदारा अगला पांच वास्ते बंद कर दिया गया है महकमा पी एच ई महकमा बिजली जे के बैंक मेहकमा समाज बहबूद का दफ्तर अगला पांच दिनों वास्ते बंद रहेगा सरकारी जरिए के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ जिला पुंछ का सरहदी इलाका मा गोली करके फायरबंदी माह की गयी है सवेरे साढ़े अट्ठ बजे करीब पाकिस्तान की तरफों बिला कोलीबारी गोलीबारी की गई दिफाई तर्ज़मान ने दस कि पाकिस्तान की तरफों निक्का और मोटा हथियार जिला का मनकोट इलाका या गोलीबारी करके पाकिस्तान ने फायरबंदी मुआवजा की खिलाफवर्जी की है और मालती ते देवारा सेक्टर निशाना बनाया हुए हैं हिफाजती फौज ने चार दिनों बाद आज जैश ए मोहम्मद दहशत गर्द की लाश ने एक नाला तो बरामद कर ली है वाजर है कि जिला बटखाम का कावुसा इलाका सात सितंबर ने एक टाकरा के दौरान गोली लगन तो बाद ये दहशत गर्द नाला मा उस वक्त शुरू हुआ जब हिफाजती दस्ता ने दहशत गर्द की मौजूदगी की एक शो मिल उस इलाके में के रवंती माल ले तलाशी मुहिम शुरू की थी यो दहशतगर्द जिला पुलवामा को रहन लुथो हिफाजती फौज ने इस दौरान नदी तो असला नल परियों को एक बैग भी बरामद की हुए है जिसमें एक पूरी तरह परिवी हुई एक के मैगजीन तेरह चीनी साथ का ग्रनेड चौदह चाकू ते पंची मोबाइल फोन भी शामिल है ये खबर तम आकाशवाणी जम्मू ते सुन रहे हैं खबर का वाकई हिस्सा नल मोहम्मद अकरम चौधरी वजीर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कौमी तालीमी पालसी दो हजार बीस इक्कीवीं सदी में तालीम नामुल्क के अंदर एक नवी सिमत अता करेगी स्कूली इक्कीवी सदी का अनुमान नाल हुआ एक में खिताब करता वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कह है कि इस नवी पालसी नवाम की कीमीद पूरी बेहगी और मुल्क तरक्की कह मुल्ख मां निकी जमतों तों बड़ी जमतों तो बेहतरीन उसताजा की सख्त लड़ है और उसताजा हजरात न अपना आप ना उन जरूरतों पर पूरा उतारण की लड़ है मोदी ने आज बाई बावे और स्वामी विवेकानंद नाखराजे की पेश की हो मोदी ने आचार्य वनु भावे की एक और स्वामी विवेकानंद की एक शिकागो के अंदर उनकी तकरीर मा नाद ना कि उन्होंने क्यों के साल अठारह सौ तिरानवे मां उनकी तकरीर ने भारत की कदरा ना पूरी दुनिया मां उभारे थो और उनका ख्यालत आज का भारत को अहम हिस्सों है वजीर आजम का दफ्तर मां वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह और नौजवान खिदमत और खेडां का मरकजी ममलिकत पालक जिला कठु गीरानगर मां अरुण जेटली यादगार खेडा आता को इफ्ताह करेगा जमू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा और खेडा बारे उनका सलाहकार फारूक खान भी इस इफ्ताही तक माह ही सोलेंगे वाजिर है कि डॉ जितेंद्र सिंह कठुआ उधमपुर और डोडा तो मैंबर पार्लियामेंट भी हैं इस खेडा का आहता मां कई किस्म की खेड की सहूलियत दस्तवेंगी और इस कंपलैक्स का वजूद मां आ जम्मू कश्मीर मां खेडा ना बादू मिलेगा इस शोभा मां तरक्की वेगी और इलाकाई तौर पर नौजवान ना अपनी खेडा मां दिलचस्पी लोका मां लोकाम सर्टिफिकेट तकसीम वास्ते जिला कठुआ बलाक तरकियाती दफ्तर मां आज दूजे ध्या भी खसूसी कैंप लाएगी इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कठुआ ओपी भगत अडीशनल डीसी अतुल गुप्ता एसीडी एन डी शर्मा तहसीलदार कठुआ गुरु शर्मा मौजूद था इस मौके पर एक सौ विमता अकामती यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट लौकामा तकसीम किया गया डिप्टी कमिश्नर ओ पी भगत ने क्यों है कि यो कैंप पालक टू बैक टू विलेज मुहिम के तहत है। इस मौके पर बोलता हुआ। जिला तरज्ञत कमिश्नर ओ पी भगत ने इस तरह क्यों ये जो बैक टू विलेज थ्री का ये प्रोसीडिंग डे ये का जो बिल्डअप प्रोग्राम जो है कामयाब हो इसके लिए सारे के सारे हमारे ऑफिसर्स आप देख रहे हैं कि हमारे एडीसी साहब तहसीलदार साहब बीडीओ और बीडीसी डी सी चेयरपर्सन भी हमारे साथ हैं इसके अलावा दूसरे असिस्टेंट डायरेक्टर फूड सप्लाई सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट जितने भी है वो यहाँ पर है और जो जो समस्या जिस जिस डिपार्टमेंट की है उनको कन्वे किया जा रहा है और क्या निपटारण भी ऑन स्पॉट किया जाए ये लगातार हर दिन कोई ना कोई स्पेशल मेला लगेगा जहाँ सभी लोग आएंगे और खासकर कर एस सी एस टी डोमिसाइल आरबीएस

ਬੱਚਾ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਕੋ ਚਨਾਉ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੇ ਵੇ ਹਮਲਾ ਕਾਲਸਰੀਆ ਨਾ ਇਸ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਬਿਦਾਰ ਕਰ ਸਕੇ ਕੈਂਪ ਇਨਚਾਰਜ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਮਾ 2022 ਤੋੜੀ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਯਾਨੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਦ ਕੀਓ ਥੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਹਦਫ ਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਥੋ ਆਖਿਰ ਮਾ ਖਾਸ ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोहर सिन्हा ने जम्मू कश्मीर मरबूत शिकायत को इफ्त की हुए। भारत और चीन ने हकीकी कंट्रोल लाइन और सूरत अमन रखने वास्ते एक पांच नुकाती प्रोग्राम और रजामंदी जाहिर की है भारत में एक दिन में पचानवे हजार पांच सौ पांच कोविड उन्नीस का नवा मामला बांधते आए हैं वजीर अजम नरेंद्र मोदी को कहन है कि नवी कौमी तालीमी पालसी न इक्कीवीं सदीव मुल्क के अंदर तालीमी शोभा ना एक नवी समेगी